शेर की उड़ान। एक पंडित जी जंगल में शेर से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन महाराजा शेर उस समय आराम कर रहे होते हैं। शेर को आराम करते देख पंडित जी वहीं कुछ दूरी पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी शेर की आंख खुल जाती है और शेर बाहर आकर देखता है तो उसे वहां पर एक पंडित जी दिखाई देते हैं। अरे ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है कि इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। तभी पंडित शेर को देखकर उसके पास जाकर बोलता है, महाराज मैं यहाँ कुछ देर पहले ही आया था। आपको आराम करते देख मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा था। महाराज मुझे आपसे एक बात करनी है। अच्छा तुम्हें क्या बात करनी है? महाराज मैं यहाँ इस जंगल में आपकी गुफा के पास बैठकर जादुई शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हूँ। अच्छा लेकिन मेरी गुफा के पास ही क्यों? तुम्हें ये शक्तियाँ कहीं और नहीं मिलेगी? महाराज मैं अगर कहीं और बैठूंगा तो मुझे बाकी जंगल के जानवर खा जाएंगे। लेकिन इसमें मुझे क्या फायदा होगा और मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मैं उन शक्तियों से उड़ने की शक्तियाँ दूंगा जिससे तुम पूरे जंगल में आसानी से घूम सकते हो। फिर शेर पंडित का पूरा ध्यान रखता है और किसी भी जानवर को पंडित जी के पास नहीं आने देता। उसके बाद कुछ ही दिनों में पंडित जी जादुई शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। तब शेर पंडित से, क्या अब तुमने अपनी जादुई शक्तियां प्राप्त कर ली है? हाँ महाराज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें अभी जादुई पर देता हूँ, उनसे तुम जंगल में उड़कर घूम सकते हो। फिर पंडित शक्तियों से शेर के ऊपर पर लगा देता है जिनसे शेर हवा में उड़ने लगता है और वो शेर पूरे जंगल को उड़ उड़ कर देखता है और बहुत आनंद लेता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।